मारामारी में मारामारी होता है। एक कॉकटेल पी लिया, सब काम हो गया। राजेश जा रहा है, दिस विल बी वेरी डेंजरस। ओ एक्सट्रीम स्टंट्स परफॉर्म्ड अंडर सुपरवाइज्ड, पता नहीं प्लान एंड प्लान। ओश टिपिकल बॉम्बे की भाषा में बोलेंगे ना, ये है एक नंबर। कुछ नहीं करना, बस इसको डिप कर देना एंड लेट द ग्रेविटी डू इट्स थिंग। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी, और अभी आपको दिखा रहे हैं हम लोग चेंबूर का बढ़िया बढ़िया खाना। फिलहाल हम लोग आए हैं सदगुरु वेज डाइट पे, दिखा रहे हैं आपको पाव भाजी, और इनके जूसेस इतने कमाल के हैं ना, तारीफें बहुत सुनी है। मुंबई की वन ऑफ द बेस्ट पाव भाजी, इफ नॉट दी बेस्ट। देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें। आपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना वेजी बाजी, और संडे स्पेशल की मुंबई की गर्दी की इस पेशकश को आप करते हैं शुरू। पाव भाजी तो अभी ऐसा लग रहा है, इसको इधर निकाल के पूड़ी के साथ खा ले, पूड़ी भाजी बन जाएगा ये। हाँ, इसको अभी मिक्स करना पड़ेगा, मिक्स करना है। वो तो वो स्टेज वैसा लग रहा है ना, खुशबू भी वैसे आ रही है अभी। अभी इसमें मसाला वगैरह सब, अच्छा वो पेस्ट पड़ा हुआ चिली वाला जी सर, वो पड़ेगा अभी, तो फिर पूरा पाव भाजी बनेगा जी सर। एक बार इसको थोड़ा सा आगे करेंगे उमेश भाई। हाँ, फाइनल ये प्रोडक्ट बन के रेडी होगा अपना, ये बन के रेडी होगा। अभी जो भी पार्सल खाने का ऑर्डर लग रहा है ना, इधर से आ रहा है, और वही चीज़ अभी फ्रेश इधर बन रही है बैच बैच में। जैसे जब जरूरत लगता होगा तो बनते रहता होगा ना। कितना दिन में बनता होगा ऐसे, कितनी बार बनता होगा? दिन में 7-8 बार, 7-8 बार बन जाता होगा। ताकत ज़्यादा लगता है आपका, तो इधर ही कसरत हो जाता होगा। कहाँ से आप? बिहार से। बिहार से तो पाव भाजी कब सीखा? मुंबई में सीखा के? हाँ सर। इधर ही सीखा? नहीं, कहीं और सीखा। अभी ना वो बल्क ऑर्डर का टाइम आया ना, तो वो सारी वाली भाजी निकालती है, और अभी जो ये भाजी है इसको गर्म करते रहेंगे, जब ये ख़त्म होगी तो फिर से वो बनाएंगे। ये पूरा ना ऐसे, इट्स नॉट लाइक अ फ्लैट तवा, दिस इज लाइक थोड़ा ऐसे तवा। आप करिए करिए, हो गया ना, ठीक है। एक हमारे भी खाने के लिए लगा दीजिएगा। लो जी आ गया चेंबूर की वेरी फेमस सदगुरु की पाव भाजी, बटर पाव के साथ में दो दो क्रिस्पी क्रिस्पी द पाव्स। आई लव मुंबई पाव, यू कांट जस्ट रिप्लेस देम। और ये जो, ओ भाई क्या जाले आए हुए ना इसके अंदर, कैसे स्मूथ करते हैं ना इसको। अरोमा इज इनवाइटिंग, ऑल सेंसरी ग्लैंड्स आर एक्टिव, नाउ वी जस्ट डिग इन एंड ईट। खाते हैं भाई, बहुत मन कर रहा खाने का। बड़े भाजी थिंग्स, चलो स्टार्ट करते हैं चेंबूर की पाव भाजी। भाई भाजी तो छोड़ो, पहले बटर देखो, व्हाट इज दिस मज़ा विद बटर का तड़का। माय फिंगर्स आर ऑल, मतलब पांचों उंगलियां घी में ना, पांचों उंगलियां मक्खन में हो गया। अब भाजी, ये भाजी की क्वांटिटी इतनी है, इसके साथ दो एक्स्ट्रा पाव ले लो तो भी कम पड़ेंगे यार। काफ़ी सही लग रही है द भाजी का जो, अब बनाएंगे अपनी प्लेट। थोड़ा मारेंगे कांधा, थोड़ा सा रगड़ेंगे नींबू। नाइस, कुछ नहीं करना, बस इसको डिप कर देना एंड लेट द ग्रेविटी डू इट्स थिंग। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मतलब दिस इज एक्चुअली में मुंबई की टॉप 5 पाव भाजी में आ सकती है, इतना बढ़िया पाव भाजी है। हम लोग मुंबई के अलग अलग कोनों में जाके पाव भाजी ऑलमोस्ट बहुत सारी खा चुके हैं, तो आई कैन टेल इसका टेस्ट ऐसा है। एक होती है पाव भाजी के स्पाइस लेवल में सुपर स्पाइसी, एक होती है सुपर स्मूथ, थोड़ा फैंसी कम मसाले वाली शिव सागर की पाव भाजी। दिस इज समवेयर टुवर्ड्स दिस, नॉट वेरी वेरी स्पाइसी जैसे ब्लैक पाव भाजी होती है, बट दिस इज वेरी फ्लेवरफुल ऑल्सो एट द सेम टाइम। आपको गले में खाओगे आपको लगेगा आपने चटपटा स्ट्रीट फूड खाया। बटर के लेवल पे दिस इज समवेयर हेयर, इफ सरदार पाव भाजी इज बटर लेवल हेयर, एंड इफ शिव सागर की बटर इज हेयर, देन दिस इज हेयर। दिस इज लाइक अ वेरी वेरी पैलेटेबल पाव भाजी जो हर किसी के पैलेट में सूट करेगी। बस मेरा मन करे ना तो मैं अपने लिए इसको सुपर डुपर स्पाइसी करवा लूँ, बट दिस इज एज इट इज बहुत लोगों को पसंद आने वाली है। जस्ट द आर्ट कि भाई कैसे पाव भाजी ऐसे ना पाव पे चिपकी हुई है, देखो मैंने एकदम उल्टा कर दिया,
निकल ही नहीं रही। क्या बना दिया भाई ये ऊपर नल, ये सारा सैचुरेटेड खाने खाने को ना हम लोग डाउन करेंगे विद अ गुड जूस के साथ में। लेट्स गेट सम जूस। मारामारी में मारामारी होता है किस किस का होता है? मारामारी में मौसमी और पाइनएप्पल, मौसमी और पाइनएप्पल का मारामारी होता है। करिए चालू करिए करिए। और एक गंगा जमुना भी पियेंगे। अच्छा, एक गंगा जमुना। हाँ, गंगा जमुना में क्या रहता है? मौसमी ऑरेंज, मौसमी और ऑरेंज, ऑरेंज और वो ऑरेंज और मौसमी और पाइनएप्पल, मौसमी और पाइनएप्पल। ठीक है, एक गंगा जमुना, गंगा जमुना कर दीजिए और दूसरा वाला कॉकटेल कर दीजिए। अच्छा ठीक है, वो तो बनना सेम सेम हो जाएगा ना दोनों। गंगा जमुना कर देते हैं और मारामारी की जगह अपन कॉकटेल वाला कर देते हैं, उसमें सब मिक्स रहता है ना। हाँ, एडिटर्स नोट वन, ये जो मौसमी और संतरे की कंफ्यूजन की वजह से कॉकटेल जूस बनवाया ना, लिटल डिड आई नो एट दैट मोमेंट कि ये मेरा फेवरेट जूस बन जाएगा। एक दिन और था शायद ये सेकंड लास्ट डे था मेरे मुंबई ट्रिप का। पूरी ट्रैवलिंग पाजी डेली ब्लॉग्स पे वीडियोस है, वो पूरा दिन और उसके अगले दिन मिला के मैंने 3-4 कॉकटेल जूसेस और पिए, मेरा फेवरेट फेवरेट जूस बन गया। अभी क्या एकदम गाढ़ा गाढ़ा पाव भाजी खाएंगे साथ में ठंडा ठंडा जूस पियेंगे ना, ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा, ठंडा ठंडा रहेगा, ठंडा ठंडा जूस पियेंगे मजा आएगा। गंगा जमुना होगा। हाँ। और कॉकटेल में क्या क्या आएगा? कॉकटेल में ग्रेप्स, अनार, एप्पल, पाइनएप्पल। कितना ऊपर तक डालना है? बस बस डन। हाँ वो कर देना, वो ना गंगा जमुना और वो सेम सेम हो जाएगा मारामारी। हाँ। है ना। हाँ। एक कॉकटेल बनाते हैं, ये ग्रेप्स आया, अनार आया, अनार आया और क्या क्या, एप्पल पीसेस भी, अच्छा एप्पल भी आएगा, पाइनएप्पल भी आएगा, सब वो जूस बनेगा। बस ये मसाला, मसाला हाँ, वो थोड़ा वो ग्रेप्स और अनार के लिए अच्छा लगेगा ना। उसमें एप्पल पड़ेगा, पाइनएप्पल पड़ेगा, ग्रेप्स पड़ेगा, पोमीग्रेनेट पड़ेगा। क्या प्राइस रहता है इसका? हाँ, और ये मतलब पाव भाजी के साथ आपका क्या सबसे बढ़िया जूस रहेगा? मौसमी वाला लो, अभी ये हार्ड है ना थोड़ा। हाँ, मौसमी और गंगा जमुना जो भी अच्छा है। हाँ, वो पाव भाजी एकदम ऐसे थोड़ा मक्खन वाला रहेगा, ये थोड़ा वैसे रहेगा, एक दूसरे को जोड़ेगा दोनों। एक कॉकटेल पी लिया, सब काम हो गया। राजेश, ये तो बहुत थिक होता रहेगा ना, थिक शेक, वो जैसे वो थिक शेक रहते हैं, ये थिक जूस है। हाँ, वो उसका पल्स निकल जाएगा। एप्पल बीट कैरेट टाइप का जूस, ये वैसे उस टेरिटरी वाले जूस है, तो ऐसा स्मूदी बोल लग रहा है यार, क्या मस्त लग रहा है। चलना किधर गया राजेश, ग्लास का दिला शाम। और पाव भाजी आपका क्या रेट है? 240। हाँ, विद जीएसटी 240। 240 हाँ जी। अभी फिर से रश टाइम कम हो गया। ओ यस, द मैग्नानिमस शॉर्ट एज कम, पाव भाजी का ना यहाँ पे ऐसे ही है, भाजी बनी ख़त्म हुई, भाजी बनी ख़त्म हुई, जितने हम लोगों ने अपना जूस डलवाया उतने फिर से भाजी का दूसरा बैच बन गया। अब ये नॉर्मल आपके पीछे भाजी देखी थी ना, वो नॉर्मल सी थी, अब ये उसको एकदम मैश करके उसके ऊपर ये चिली गार्लिक वाला पेस्ट डाला है और इससे इसका एकदम बढ़िया रंग आ जाएगा। आलू एकदम मैश हो गया ना, ऐसे एकदम पेस्ट बन जाएगा और फिर मक्खन पड़ेगा, जो चीज़ आएगी ना वो पूरा ब्लॉक आ जाएगा, पूरा ब्लॉक बटर जा रहा है। यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरा ब्लॉक बटर जा रहा है। दिस विल बी वेरी डेंजरस। ओ, एक्सट्रीम स्टंट्स परफॉर्म अंडर सुपरवाइज्ड, पता नहीं प्लान एंड प्लान। ओश, दिस मीन्स बिजनेस, ब्लॉक ऑफ बटर बढ़िया, कम से कम 10-15 प्लेट लग रही है। लो भाई, अब ये चलते रहेगा प्रोसेस, इसको लगेगा 5-10 मिनट, अपन अपना जूस पीते हैं। मेरे जूस आ गया ना, आपका जूस आ गया? मेरा भी जूस आ गया। मैं थोड़ा ज़्यादा फूडी टाइप हूँ, मेरा भैया दूसरा भी ले आइए, आपका एक वर्सेस मेरे दो, दो आपके दो मेरे एक, दैट्स नो प्रॉब्लम। ये तो आपने ही सजेस्ट किया था। हाँ, मैंने सजेस्ट किया। सो ये कौन सा, गंगा जमुना? गंगा जमुना चीयर्स, एंड दिस इज जिंजर लेमन फ्रॉम होटल सदगुरु इन चेंबूर मुंबई। भाई हमें चेंबूर की, हमें ना वी आर वेरी, मतलब बोलेंगे हम वी आर वेरी लकी कि हमारे जगह जगह पे डिजी फैमिली के दोस्त हैं,
जो हम लोगों को वहाँ के एकदम अड्डे बताते हैं। तो चेंबूर का अड्डा हम लोगों को यहाँ पे लेके आए सतगुरु का खाना खिलाने, बहुत बढ़िया पाव भाजी। एडिटर्स नोट नंबर टू, यार कभी कभार ना रश होता है बहुत ज्यादा दुकान में, बहुत छूट कैसे तैसे तो हम लोग करते हैं, जैसे पाव भाजी भी कैसे तैसे बैच में हम लोगों ने पूरी बनते हुए देखी, तो काफी ज्यादा रश था, बिजी आवर्स थे। मैं भूल ही गया आपको राजेश जी से इंट्रोड्यूस करवाना, तो आप साथ में अभी जिनको देख रहे हैं वो है राजेश जी, बहुत प्यारे डीजी फैमिली के मेंबर है। जो लोग अभी नए जुड़े हैं इस चैनल पे, हम लोग आपको बुलाते हैं डिजिटल फैमिली डीजी फैमिली। तो राजेश जी ट्रैवलिंग पाजी डेली व्लॉग्स पे बहुत कनेक्टेड रहते हैं, और हम लोग भी जब चेंबूर आए तो उनसे बात हुई कि आ रहे हैं, तो काफी अच्छे से उन्होंने और जगह भी हम लोगों को दिखाई, वो वीडियोस पे आने वाली है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो वेजी बाजी मुंबई की गर्दी, बहुत बढ़िया आपके लिए वीडियोस आते रहेगी। लेट्स डिग इन। खाली एक चीज बताना चाहता हूं कि ये चेंबूर में सबसे ओल्डेस्ट पाव भाजी है। हां, दिस प्लेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1970। अच्छा, और आप इसको बाकी सब पाव भाजी में से वन ऑफ द टॉप 3 और टॉप 4 मान सकते हैं चेंबूर। आप देखिए इसका स्मूथनेस, द टेक्सचर ऑफ द पाव भाजी, द बटरनेस, द लादी पाव, द बाउंस चेक दैट यू डू इट, सैचुरेटेड बटरी ग्रीसी पाव भाजी के साथ में और स्मूथ जूस, तो टर्न इट डाउन अ बिट। एब्सोल्युटली राइट। एंड यू आर इन चेंबूर इन माय एरिया इन माय फेवरेट प्लेस टू हैव पाव भाजी। व्हाट एल्स कैन अ डीजी फैमिली सब्सक्राइबर नो? कॉकटेल। बहुत बढ़िया, ये मजा आ गया। एक नंबर है, बिल्कुल बॉम्बे की भाषा में बोलेंगे ना, ये है एक नंबर। फ्रेश फ्रूट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, मजा आ गया भाई। यहाँ की पाव भाजी तो बढ़िया थी, यहाँ का कॉकटेल जूस पी के जो मजा आया ना, पीछे आई थिंक हमारे डीजी फैमिली के कुछ और मेंबर्स मिल गए, उनसे भी बात करते हैं। आप उधर पहुँचो, हम एक बात चाय पे चर्चा जूसेस पे चर्चा करके आपसे कभी मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, वेजी बाजी को सब्सक्राइब करना, बढ़िया बढ़िया खाने की वीडियोस आती है चेकआउट करना, मुंबई की पूरी प्लेलिस्ट है, 100 से ज्यादा फूड वीडियोस है मुंबई शहर की, भाई शहर ही इतना बढ़िया है, खाना इतना बढ़िया, तो इतनी सारी वीडियोस है देखना।